नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे रिमाइंडर्स थ्योरम। मान लीजिए कोई फंक्शन है, पॉलिनोमियल है पी एक्स। पी एक्स कोई पॉलिनोमियल है, कुछ भी हो सकता है। इसको हम डिवाइड करते हैं एक्स माइनस ए से। ओके, दिस इज अनदर पॉलिनोमियल ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल। अगर इसे डिवाइड करें तो जो रिमाइंडर आएगा, किसी भी हम चीज़ को अगर हम डिवाइड करते हैं तो ये मान लीजिए पॉलिनोम मैंने पी एक्स, इसको मैंने एक्स माइनस ए से डिवाइड किया तो कुछ कोटियंट आएगा, कोशेंट आएगा। ओके, और आफ्टर सम कुछ रिमाइंडर आएगा। जो ये रिमाइंडर होगा वो होगा पी ए के बराबर, वो होगा पी ए के बराबर, यानी कि उस पी एक्स में हम ए की वैल्यू पुट करेंगे तो वो हमें रिमाइंडर पता चल जाएगा। तो दिस इज़ कॉल्ड द रिमाइंडर्स थ्योरम। तो इसको हम लिखते हैं ऐसे, अगर इसको प्रूव करना हो तो आप कह सकते हैं पी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस ए इंटू क्यू एक्स प्लस आर। ये कैसे आया? कोई भी चीज़ को हम डिवाइड करते हैं, जैसे अगर 15 को 6 से डिवाइड करें तो हम देखते हैं 6 दूनी 12 3, तो वी कैन राइट इट लाइक इज 6। 15 इक्वल टू, यू कैन राइट लाइक दिस, 15 इक्वल टू 6 इंटू 2 प्लस 3। इट इज़ सेम थिंग, ऐसे लिखा। अगर हम x की वैल्यू a पुट कर दें, व्हाट विल हैपन देन? पी ए एक्स की वैल्यू a पुट कर दी तो ये 0 हो जाएगा, a माइनस ए 0, ये भी 0 हो जाएगा। ओके, तो दिस बिकम 0 इक्वल टू आर, देन पी ए इक्वल टू रिमाइंडर। दिस इज़ द थ्योरम, रिमाइंडर्स थ्योरम। अब इसको करना कैसे है वो हम देखेंगे एक एग्जांपल लेके। इसको एग्जांपल लेके देखेंगे, इसको रब कर देते हैं या नई स्लाइड खोल लेते हैं। ओके, अब नई स्लाइड खोल ली। इसको करना कैसे, एग्जांपल ले लीजिए। मान लीजिए एक पॉलिनोमियल है, एक पॉलिनोमियल है एक्स की फोर, एक पॉलिनोमियल है एक्स की फोर, पी एक्स इज ए पोलिनोमियल एक्स की फोर प्लस एक्स क्यूब माइनस 2x² प्लस एक्स प्लस 1। ओके, इसका हमें निकालना है कि अगर इसको हम एक्स माइनस से डिवाइड करें, एक्स माइनस 1 से डिवाइड करें तो इसका क्या रिमाइंडर आएगा। ओके, तो एक्स माइनस 1 का डिवाइड करने का मतलब है, इसको मान लीजिए एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, देन एक्स इक्वल टू 1। जो रिमाइंडर निकालना है तो हमें एक्स इक्वल टू 1 रख के जो निकलेगी वैल्यू वो उसका रिमाइंडर होगा। तो पी 1 इक्वल टू 1 की पावर 4 1 प्लस 1 माइनस 2 प्लस 1। ओके, एक्स की जगह हमने 1 पुट कर दिया इस इक्वेशन में, प्लस 1, तो कितना हो गया? 2 घटा 2 0, 2। दिस इज इक्वल टू 2। तो इसको इसे अगर डिवाइड करें, करके भी देख लीजिएगा, तो रिमाइंडर विल बी 2। ओके, सिमिलरली अगर एक और एग्जांपल लें, मान लीजिए एक इक्वेशन है, जो एक आपका एक और है एग्जांपल ले लेते हैं। तो अगर एक एक है एक्स क्यूब, एक पॉलिनोमियल है एक्स क्यूब प्लस 3x² प्लस 3x प्लस 1। ओके, इसको पुट करना है, एक्स प्लस 1 का रिमाइंडर निकालना। अगर इसको एक्स प्लस 1 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर निकालते हैं। तो एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, तो एक्स इक्वल टू माइनस 1 पुट करेंगे, तो ये जो इस इक्वेशन में पुट करेंगे जो वैल्यू आएगी वो आपको बता देगी तो क्या होगा। लेकिन इसमें देखिए, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इक्वल टू 0 पुट करने के बाद दैट इज़ एक्स इक्वल टू माइनस 1, ये पुट करना है, ना कि प्लस 1 नहीं पुट करना। थोड़ा ये ध्यान में रखना है, ये इसको इक्वल मान के जो एक्स की वैल्यू आई वो आपको पुट करनी है। तो ये इसको पुट करने के लिए तो माइनस पी माइनस 1 क्या होगा?
दिस इज माइनस वन, माइनस वन का क्यूब प्लस थ्री इंटू माइनस वन का स्क्वायर प्लस थ्री इंटू माइनस वन प्लस वन। तो आंसर विल बी माइनस वन का क्यूब इज माइनस वन, माइनस वन का स्क्वायर इज वन, इंटू थ्री इज प्लस थ्री, माइनस थ्री प्लस वन, दिस इज इक्वल टू जीरो। ओके, अब इसका रिमाइंडर जीरो आ गया। ओके, दिस किसका मतलब है, ये एक्स पर प्लस वन इज द मल्टीपल ऑफ, यू कैन से फैक्टर ऑफ दिस दिस पॉलिनोमियल। तो आप आगे जब हम पढ़ेंगे तो हम बताएंगे कि फैक्टर कैसे निकालते हैं। तो रिमाइंडर जब भी जीरो आता है तो वो उसका फैक्टर होता है। अगर रिमाइंडर आर इक्वल टू जीरो हो, रिमाइंडर जीरो आ जाए डिवाइड करने पे, तो इसका मतलब जो वो इक्वेशन है उसकी फैक्टर है। ओके, जब हम फैक्टर निकालना सीखेंगे तो इसको भी ध्यान में रखेंगे, देन रिमाइंडर इज जीरो। ओके, तो ये पॉलिनोमियल के क्वेश्चन है, तो आप कर लीजिएगा एक्सरसाइज 2.3। थैंक यू।